हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग ब्रेन मास्टर स्पोकन इंग्लिश। टुडे आज भी वही बात चलेगी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ये एक बहुत ही वाइड सेक्शन है, लेसन है, जिसे आपको अच्छे तरह से जानना होगा। अगर आप इसे अच्छे से जानते हैं तो आप लिखने में और बोलने में गलती नहीं करेंगे। लिहाजा आज देखिए, आम तौर से जब दो या दो से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस को एंड से जोड़ा जाता है तब वर्ब प्लूरल नंबर में प्रयुक्त होता है या प्रयोग होता है। अब देखिए, बहुत ही आसान, ये हम आम तौर से जानते ही हैं। जैसे राम एंड रहीम आर गोइंग, ठीक है। राम एक अलग लड़का है, रहीम एक अलग लड़का है, एंड से जुड़ा है, आर गोइंग। इसी तरह यू एंड ही आर फ्रेंड्स, यू अलग है, ही अलग है, एंड से जुड़ा है, आर फ्रेंड्स, राइट है। ही एंड आई हैव डन दिस, देखो ही और आई हैव डन दिस, ये भी हां क्या है, प्लूरल वर्ब है। दोनों में देखिए कि आर आ और हैव, ये प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है इस जगह पर। अगर हम रूल टू में देखते हैं, जब एंड से जुड़े सिमिलर नाउन्स एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध करते हैं तब वर्ब सिमिलर नंबर में रहता है। बहुत बड़ा बात, एक ही वस्तु, एक ही नाउन, अगर हम उसको डिफरेंट एंगल से देखें तो इस तरह दिखेगा, ए रेड एंड ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो यहां पर अ रेड एंड ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहां पर सिंगुलर है क्योंकि ए रेड एंड ब्लैक, वही काउ जो वहां चल रही है वो ब्लैक भी है और रेड भी है, इसलिए एक गाय है। नेक्स्ट देखिए, द पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम, द पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम, यहां पर भी हैज लगा के हम सिंगुलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। द पोएट जो कवि है वही फिलोसोफर है, वही दार्शनिक है, हैज कम। देख लिए एक व्यक्ति के लिए हम किस तरह दो चीज को लाकर हैज का इस्तेमाल करते हैं। ए रेड, अगर इस तरह लिख दें, ए रेड एंड ए ब्लैक काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्यों ऐसा हुआ, एक रेड काउ है एक ब्लैक काउ है, क्योंकि यहां पर आ जो है ये आर्टिकल है, इनडिफिनिट आर्टिकल है, दोनों के पास में लगा है, ए रेड एंड ए ब्लैक काउ, इसलिए दोनों अलग हैं, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है या नहीं। फिर अगर देखते हैं, द पोएट एंड द फिलोसोफर हैव कम, यहां पर द पोएट एक अलग आदमी है, द फिलोसोफर एक अलग आदमी है, ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों के लिए हमने क्या करा, प्लूरल का इस्तेमाल किया, हैव। देखो मैं इसको हैव को यहां पर एक रेड सर्कल में रख रहा हूं, कम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रूल थ्री में देखें, कुछ ऐसे सिमिलर नाउन्स हैं जो एंड से जुड़े रहते हैं और प्रयोग में बराबर एक साथ आते हैं, वो सदा सिंगुलर में रहते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखो, राइस एंड दाल इज माय फेवरेट डिश, यहां पर राइस एंड दाल ये दोनों को मिला के खा सकते हैं, इज माय, इसलिए यहां इज यहां सिंगुलर का मामला आया। ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड, देखो ब्रेड और बटर दोनों को एक में मिला देते हैं, इसलिए इज अ रेड रिच फूड। अब समझ में आ रहा है ना समझ में। देख नेक्स्ट देखिए, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर, यहां पर द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ ये दोनों एक है, क्राउन ताज, ग्लोरी ऑफ लाइफ एक साथ में, इज एक इज कैरेक्टर, ठीक है। फिर देखिए, स्लो एंड
स्टडी विंस द रेस, ये दोनों मिलकर हैं, स्लो और स्टडी, आस्ते आस्ते चाल, क्या है विंस द रेस, ये जीतते हैं रेस। यहां पर ये भी क्या है, सिंगुलर है। अब देखिए, ये हॉर्स एंड कैरेज इज वेटिंग एट द गेट, ए हॉर्स एंड कैरेज, ये दोनों अलग नहीं है। हॉर्स किसके साथ में, कैरेज, कैरेज के साथ में, वो गाड़ी के साथ में, इसलिए यहां पर इज का इस्तेमाल हुआ, वेटिंग एट द गेट। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फिर देखिए ये जो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी एक आदमी के साथ में लगा हुआ है, इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां पर ये सिंगुलर है। हुस्की एंड सोडा, हुस्की एंड सोडा, ये दोनों एक है, इसीलिए हम कहते हैं वर्ड सर्व इन द पार्टी, यहां पर आर नहीं होगा, अगर आर हो जाएगा दोनों अलग अलग होंगे, फिर उनका इस्तेमाल अलग होगा। देखो, ऑल कमिंग एंड गोइंग वाज फॉरबिडन, ऑल कमिंग एंड गोइंग, जाना और आना सबके लिए वाज फॉरबिडन, यहां पर भी सिंगुलर का इस्तेमाल हुआ। लेकिन ऐसे केस में हम देखते हैं जैसे एग्स एंड मिल्क, ये जो एग्स और मिल्क दो है, दोनों है आर सोल्ड, ये दोनों अलग अलग बेचे जाते हैं। अगर हम फिर देखते हैं वहां पर ऊपर में जो लिखे थे, ए रेड एंड ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अगर हम इस तरह कर दें, फिश एंड मिल्क आ माय फेवरेट फूड, ये दोनों अलग अलग हैं, ये मेरे अच्छे, यानी कि मुझे अच्छा लगता है खाने में, ये दोनों अलग अलग फिर हो जाएंगे। लिहाजा इसमें एक एक्सेप्शन केस है, ये एक्सेप्शन क्या है, एक ऐसा अपवाद है जो हम इसको भी जान ले, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। देखिए टाइम एंड टाइड ये दोनों अलग अलग चीज है, इसलिए वेट फॉर नो मैन, यहां पर प्लूरल का इस्तेमाल हुआ है, ये एक एक्सेप्शनल केस है इंग्लिश ग्रामर में। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहां पर हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करें और किस जगह पर हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करें, इस बात को आप बार बार दिमाग में सोच लीजिए। द पोएट एंड द फिलोसोफर आने से ये दोनों अलग व्यक्ति हो जाएंगे, इसलिए आर का हुआ। अगर द पोएट एंड फिलोसोफी हो जाएगा तो वो दोनों एक ही व्यक्ति हो जाएंगे, इसलिए यहां पर तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। इससे हमको साफ पता चलता है कि हम ग्रामर के उस जगह पर अभी हैं जहां हम ये सीख रहे हैं कि हमारे लिखने में और बोलने में गलती ना हो जाए। उम्मीद करता हूं ऑल ऑफ यू, आप जितने हैं सब इसको समझ गए होंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक बार इस चार्ट को देखिए समझ जाएगा, इसको बार बार देखना होगा, इसको फिर दिमाग में रखना होगा, जब बोल रहे हैं लिख रहे हैं उस वक्त में गलती ना हो। सबसे ज्यादा इस तरह के सब्जेक्ट, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं, उन लोगों के लिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छा है। फिर आप जब स्टूडेंट हैं इसको भी आप अच्छे से देखिए। मैं इसके बाद फिर और एक लेसन लेके आऊंगा, ये आपका लेसन 9 था, 9 के बाद में 10 लेसन आएगा, आप देखते रहिए ब्रेन मास्टर स्पोकन इंग्लिश। थैंक्स अ लॉट।